तो गाइज चलते हैं अपने चैप्टर में हमारे चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वह है ज्वालामुखी अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो धरती के अंदर जितनी चीजें होती हैं धरती के भूगर्भ में जितनी भी चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह है प्रवाह जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो उससे एक ज्वालामुखी फैल फैल का, क्वेश्चन है, है, है तो स्थल मंडल को वर्णित करता है हमारा तो पहला ऑप्शन जो है वो है ऊपरी व निचले मेटल ख वाला है भूपटल व क्रोड तथा तो वाला है भूपटल और ऊपरी मंडल तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा भूपटल और

और पृथ्वी के अंदरूनी भागों से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है इन्हें पी तरंगे तथा यश तरंगे कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए तो इसका जो हमारा आंसर है वो है कि भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों में धरातली चट्टाने हैं अथवा वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं संसार भर के वैज्ञानिकों दो मुक्त परियोजना पर काम कर रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है तो इसी के साथ दोस्तों आपको एक हम नोट बता दे रहे हैं आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में बारह बारह किलोमीटर तक गहराई तक खोदा गया है इसके इससे ज्यादा अभी तक कहीं गहराई पर खोदी नहीं गई है क्योंकि इसके अंदर तापमान अधिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है इसका आंसर है हमारा जहाँ कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती है ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है एक भूकंप का छाया दूसरे भूकंप के क्षेत्र से भिन्न होता है एक सौ पांच डिग्री से परे क्षेत्र में यस तरंगे नहीं पहुंच पाती यस तरंगों का छाया के क्षेत्र से एक सौ पांच डिग्री से एक सौ पैंतालीस डिग्री तक पी तरंगों का क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है यश तरंगों का क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा होता है वरण यह पृथ्वी के चालीस प्रतिशत भाग से भी अधिक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वह कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करें इसका हमारा आंसर है पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उलकायें हैं जो कभी कभी धरती तक पहुँचती है उलकाय वैसे ही ठोस पदार्थ से बनी है जिनसे हमारा पृथ्वी बना है अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है

और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है यह तीन तरह से यह तीन तरह की तरंगे संचरण गत से समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है समकोण पर कंपन पैदा करती है गुजरती हैं उनमें उभार व गर्त बनाती हैं धरातली तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं तो दोस्तों इसमें हमारा समझना यह है कि जो पी तरंगे होती हैं पी तरंगे वो ठोस द्रव तथा तो तीनों अवस्था में चल सकती हैं ये समझिए और जो तरंगे होती हैं सिर्फ ठोस ठोस अवस्था में चलती है चट्टानों से होकर चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो हमारे ठंडा जा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं तो दोस्तों कभी कभी हमारा जो ज्वालामुखी है उसका मुख जो मुख होता है वो भर जाता है जिससे कि उसमें मैग्मा उसके अंदर ही ठंडा हो जाती है तो वो कई प्रकार की आकृतियां बनाती है अंतर्वेदी आकृतियों में बैथोलिथ लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ का वहल प्रमुख है तो एक एक करके हम सभी के बारे में ठंडा हो जाए तो यह बैथोलिथ कहा जाता है तो आप इतना याद रखिए जहाँ गिरनाइट ठंडा होता है वहाँ बैथोलिथ होता है बस इसके बाद है लैकोलिथ ये गुम्बद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने है जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक से नीचे से जुड़ा होता है तथा तो यह गहराई में पाया जाता है, है।, है। धरातल में चला जाता है यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाती है यदि यह, यह तस्करी के आकार में जम जाए तो लैपोलिथ कहलाता है ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट है फैकोलिथ फैकोलीथ कई बार अंतर्वेदी आपने

और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे एक हज़ार सब्सक्राइबर को बढ़ाइए प्लीज़ मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद